हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। ये दुखद खबर आ रही है, एमडीएच मसाले के महाशय धर्मपाल का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एमडीएच के मालिक और नई पहचान दिलाने वाले महाशय धर्मपाल का आज सुबह 5:38 पर हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार दोपहर 2 बजे किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल का निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में महाशय धर्मपाल का निधन हुआ। सुबह 5:38 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है। हमारे संवाददाता रक्षित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षित, दुखद खबर है और बहुत बड़े आइकन, एक तरह से ये कहा जाए कि भारतीय विज्ञापन जगत के एक बहुत बड़े सुपर मॉडल का निधन। बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरीके से आपने बताया है, 1919 में ये सफर शुरू होता है महाशय धर्मपाल का। जब वो अनडिवाइडेड इंडिया था, वो वहां पर रहते थे, उसके बाद भारत आए, जब विभाजन हुआ और उसके बाद की जो दास्तान है वो सबने एमडीएच मसालों के रूप में देखी है। और इसीलिए उनको पूरी इंडस्ट्री में मसाला किंग के नाम से भी जाना जाता था और अपने विज्ञापन का हमेशा से चेहरा वही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक इंटरनेशनल ब्रांड खड़ा करने के बावजूद एमडीएच मसाले कभी उन्होंने इन्हीं बड़े सुपरस्टार या फिर बॉलीवुड जगत के लोगों का सहारा नहीं लिया। खुद महाशय धर्मपाल जो थे वो अपने आप में अपने कंपनी के एक मॉडल थे और वही चेहरा सभी के जहन में है। बीते लगभग 30-40 सालों के दौरान जितने भी एमडीएच के हमने, आपने और दर्शकों ने जो विज्ञापन देखे हैं उसमें महाशय धर्मपाल ही नजर आते थे और आज वो दुखद दिन जब महाशय धर्मपाल हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात बिल्कुल सही है कि महाशय धर्मपाल एक केस स्टडी है कि कैसे एक टांगा लेकर केवल पाकिस्तान से सियालकोट पार्टीशन के वक्त, विभाजन के वक्त उनका परिवार आया करोलबाग में पहली दुकान और उस पहली दुकान से लेकर आज मसाला किंग के नाम से पूरी दुनिया में पद्म भूषण से सम्मानित धर्मपाल आज हमारे बीच नहीं रहे।